गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स. टुडेज टॉपिक इज प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. हम इसमें देखेंगे कि प्रेगनेंसी क्या है, उस प्रेगनेंसी के बाद में एम्ब्रियो का किस तरह से डेवलपमेंट होता है. ओके, सो स्टार्ट. प्रेगनेंसी इज द कंडीशन ऑफ हैविंग अ डेवलपिंग एम्ब्रियो और फीटस इनसाइड द वॉम्ब ऑफ द मदर. ठीक है, प्रेगनेंसी क्या है? एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या है, मदर वॉम यानी कि जो यूट्रस होता है उसके अंदर एक एम्ब्रियो या फिर हम कहें फीटस वो ग्रोथ करता है. ओके, इट बिगिंस विद द फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग एंड कंटिन्यूज थ्रू टू द बर्थ ऑफ द इंडिविजुअल. ये शुरुआत होती है फर्टिलाइजेशन से और कहाँ जाकर ख़त्म होती है, जब एक इंडिविजुअल कोई ऑर्गेनिज्म जन्म ले लेता है. द लेंथ ऑफ द टाइम ऑफ गेस्टेशन वेरीज अमंग द एनिमल्स बट इज़ वेरी सिमिलर अमंग द ग्रेट एपीज. अलग अलग एनिमल्स में गेस्टेशन हम कह रहे हैं कि वो जो पूरा पीरियड है जब फर्टिलाइजेशन हुआ और उसके बाद में जो ऑर्गेनिज्म का जन्म हुआ, इंडिविजुअल का जन्म हुआ, उस पूरे पीरियड को हम कह रहे हैं गेस्टेशन. तो बेटा जी ये क्या होता है, सभी एनिमल्स में डिफरेंट होता है और जो ह्यूमंस जो एनिमल्स हैं यानी अपीज उनमें ऑलमोस्ट सेम होता है. ह्यूमन गेस्टेशन इज़ 266 डेज, जिसे हम 9 मंथ्स का पीरियड कहते हैं. अगर हम उसे डेज में काउंट करें तो वो 266 दिन 266 डेज का होता है. गेस्टुलेशन, इट इज़ अ प्रोसेस इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट विच इज़ करेक्टराइज बाय मूवमेंट ऑफ सेल्स इन अ स्मॉल मासेज और शीट्स सो एज टू फॉर्म प्राइमरी जर्मिनल लेयर. देखिए इसमें क्या होता है, प्राइमरी जर्मिनल लेयर फॉर्म होती है किसकी, एम्ब्रियो की. कब, जब वो फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद में. देयर आर 3 प्राइमरी जर्मिनल लेयर्स. ठीक है, 3 जर्मिनल लेयर होती हैं, आपने इनके बारे में 11th में भी पढ़ा है. एंडोडर्म अंदर वाली, एक्टोडर्म बाहर वाली और इन दोनों के बीच में मेसोडर्म. ठीक है, 3 जर्म लेयर्स होती हैं. द सेल मूवमेंट दैट ऑकर ड्यूरिंग गेस्टुलेशन आर कॉल्ड मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट सिंस दे लीड द इनिशिएशन ऑफ मॉर्फोजेनेसिस. ठीक है, जो सेल्स के अंदर मूवमेंट होता है गेस्टुलेशन पीरियड में उसे हम कहते हैं मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट और इस प्रोसेस को कहा जाता है मॉर्फोजेनेसिस. मैं यहाँ पर आर लिखना मिस कर गई थी बेटा, इसलिए आर अभी नोट किया है. द प्रोडक्ट ऑफ गेस्टुलेशन इज कॉल्ड गेस्ट्रूला. ठीक है, गेस्टुलेशन के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है उसे हम क्या कह रहे हैं, गेस्ट्रूला. ह्यूमन गेस्टेशन, अब बात करते हैं ह्यूमन गेस्टेशन की. 24 आवर्स बिफोर फर्टिलाइजेशन द एग हैड फिनिश मियोसिस एंड बिकम. जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन से ऑलमोस्ट कितना टाइम पहले, 4 घंटे पहले मियोसिस की प्रोसेस ख़त्म हो जाती है. बिकम अ मैच्योर ओसाइड. व्हेन फर्टिलाइज्ड एग बिकम नोन एज जायगोट. जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एग का फर्टिलाइजेशन जब हो गया तो उसके बाद एग क्या कहलाता है, फर्टिलाइज्ड एग, जायगोट. ये सबको पता है. द जायगोट ट्रेवल थ्रू द ओविडक्ट टू द यूट्रस. ओविडक्ट से यूट्रस तक कैसे पहुँचता है जायगोट, है ना, जो जायगोट है वो यूट्रस तक पहुँचेगा बाय द ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब के 3, जिन्हें हम ओविडक्ट्स भी कहते हैं. द डेवलपिंग एम्ब्रियो मस्ट इम्प्लांट इन टू द वॉल ऑफ द यूट्रस विद इन 7 डेज. ठीक है, क्या होता है, ये जो एम्ब्रियो होता है, जो जायगोट बना, वो जायगोट ट्रांसफ़र हो जाता है यूट्रस में और ये 7 दिन के अंदर क्या होता है, यूट्रस वॉल से इम्प्लांट हो जाता है, उससे अटैच हो जाता है. और इट विल डिट्रियोडेट एंड डाई. ठीक है, क्या होगा, या तो ये डाई हो जाएगा या फिर क्या होगा इसका, ये भी हो सकता है जो आगे प्रोसेस बढ़ सकती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की. द आउटर लेयर ऑफ द जायगोट, जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट, ग्रो इनटू द एंडोमेट्रियम बाय डाइजेस्टिंग द एंडोमेट्रियल सेल्स. क्या करेगा, जो उसकी आउटर लेयर है जायगोट की यानी कि ब्लास्टोसिस्ट है, वो क्या करेगा, यूट्रस के अंदर लेयर होती है एंडोमेट्रियम, उसको डाइजेस्ट करने का काम कर जाएगा, यानी उसकी जो एंडोमेट्रियल सेल है उनको डाइजेस्ट करने का काम करेगा. क्यों, क्योंकि इससे अटैच होना है. एंड वाउंड हीलिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम क्लोजेस अप द ब्लास्टोसाइट इनटू द टिश्यू. और क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम के अंदर के टिश्यू होते हैं उनके साथ क्या करेगा, वो अटैच हो जाएगा. अनदर लेयर ऑफ द ब्लास्टोसाइट्स द क्रॉनिक बिगिंस रिलीजिंग अ हार्मोन कॉल्ड ह्यूमन बीटा क्रॉनिक
गोनाडोट्रोफिन। देखिए इस टाइम पे एक हार्मोन भी रिलीज होता है, वो क्या करेगा, जो अनदर लेयर ब्लास्टोसाइट की, वो एक हार्मोन को रिलीज करेगी जिसे हम क्या कहते हैं कि आपका ये BHCG, पूरा नाम बीटा क्रोनिक गोनाडोट्रोफिन, ठीक है, हार्मोन, विच मेक इट्स वे टू द कॉर्पस ल्यूटम एंड कीप्स दैट स्ट्रक्चर एक्टिव। फिर क्या होता है, ये एक कॉर्पस ल्यूटियम यानी कि क्या करता है, ये एक स्ट्रक्चर बनाता है, लेयर बनाता है जिसे हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, और ये क्या करती है, इसको एक्टिव रखने का काम करती है, किसको, ये जो डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो का उसकी बात हो रही है। दिस एंश्योर्स एडिक्वेट लेवल्स ऑफ प्रोगेस्टेरोन दैट विल मेंटेन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस फॉर द सपोर्ट ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। बेटे देखिए क्या हुआ है कि जो आगे क्या होगा, जो प्रोगेस्टेरोन है वो रिलीज होगा और वो क्या मेंटेन करेगा, एंडोमेट्रियम को। एंडोमेट्रियम क्या है, एंडोमेट्रियम को समझ लीजिए, आपको पता भी लग गया होगा, एंडोमेट्रियम जो है वो वॉम यानी उसके यूट्रस के अंदर की वॉल है, ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए उस क्या रिलीज होता है, प्रोगेस्टेरोन रिलीज होता है। क्यों, क्योंकि जो एम्ब्रियो से अटैच हुआ है यूट्रस से उसको सपोर्ट मिलेगा उससे। प्रेगनेंसी टेस्ट डिटरमाइन द लेवल ऑफ BHCG, जो हमने अभी बात की थी हार्मोन की, बीटा क्रोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, उसकी प्रेजेंस और अब्सेंस बताती है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। तो ये कैसे होता है टेस्ट, इन यूराइन और सीरम। इफ़ द हार्मोन इज प्रेजेंट द टेस्ट इज पॉजिटिव, अगर इस हार्मोन की प्रेजेंस पाई जाती है तो इट मीन्स टेस्ट पॉजिटिव है, जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट है, ठीक है। ये घर पर भी लेडीज़ टेस्ट करती हैं, एक किट आता है उसका, ठीक है, तो घर पर भी वो टेस्ट किया जाता है, उसे क्या करता है वो जो ये होता है ना BHCG हार्मोन, इसकी प्रेजेंस के लिए कुछ वहाँ पर हाइलाइटर होते हैं, वो हाईलाइट हो जाता है। द गेस्टेशन पीरियड इज़ डिवाइडेड इंटू 3 इक्वल पीरियड्स और टर्म स्टेट्स, या तो हम इनको ट्रिमेस्ट्रेट्स बोल सकते हैं या फिर हम इनको बोलते हैं 3 पीरियड में ये डिवाइड होता है, क्या, गेस्टेशन पीरियड 3 स्टेज में डिवाइड होता है। देखते हैं 3 स्टेजेस कौन कौन सी हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 to 4 वीक ऑफ द फर्स्ट ट्रिमेस्टर न्यूट्रिशन एंड वेस्ट आर हैंडल्ड बाय द एंडोमेट्रियल लिविंग एंडोमेट्रियम लिनिंग थ्रू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू जो एंडोमेट्रियम की लेनिंग होती है, लेयर होती है, उसमें डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, उससे क्या होता है, वेस्टेज ट्रांसफ़र होते रहते हैं और न्यूट्रिशन भी उसी से ट्रांसफ़र होता है। कहाँ से, एम्ब्रियो से, ठीक है, एम्ब्रियो को जो न्यूट्रिशन मिल रहा है, जो वेस्टेज ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो किसकी हेल्प से हो रहे हैं, जो एक लेनिंग थी एंडोमेट्रियम की। और ये एंडोमेट्रियम जो है तब डिस्ट्रॉय हो जाती है जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ब्लड फ्लो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। एज द ट्रिमेस्टर प्रोग्रेसेस द आउटर लेयर ऑफ द एम्ब्रियो बिगिंस टू मर्ज विद द एंडोमेट्रियम एंड द प्लेसेंटा फॉर्म्स, ठीक है। फिर क्या होगा, एंडोमेट्रियम क्या करेगी, आगे की तरफ प्रोग्रेस, ये जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है हमारा, इसमें क्या होगा, आउटर लेयर बने जो होगी एम्ब्रियो की, वो क्या करेगी, मर्ज हो जाएगी किससे, एंडोमेट्रियम के साथ, और क्या करेगी, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगी जिसे कहा जाता है प्लेसेंटा। दिस ऑर्गन टेक ओवर द न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द एम्ब्रियो एंड फिटस। क्या करेगा, ये जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर निकालेगा फिटस की, और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराएगा विद द मदर्स ब्लड पासिंग न्यूट्रिएंट टू द प्लेसेंटा। जो माता के ब्लड में, माँ जो है बच्चे की, उसके ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वे न्यूट्रिएंट्स प्लेसेंटा के थ्रू कहाँ पहुँचेंगे, एम्ब्रियो को पहुँचेंगे एंड रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम इट। और जो प्लेसेंटा क्या करेगा, जो एम्ब्रियो के अंदर वेस्टेज हैं उसे रिमूव करेगा बॉडी से। केमिकल्स फॉर्म द फिटस सच एज बिलीरुबिन आर प्रोसीड बाय द मदर्स लीवर फॉर एलिमिनेशन। ओके, क्या करेंगे, इस चीज़ के काम के लिए एक हार्मोन, एक केमिकल रिलीज़ होता है जिसे कहते हैं बिलीरुबिन, और ये कहाँ से रिलीज़ होता है, माँ के लीवर से रिलीज़ होता है, ठीक है, जो इस काम को करता है। सम ऑफ द मदर्स इम्यूनोग्लोबिन्स, ठीक है, सम ऑफ द मदर्स इम्यूनोग्लोबुलिन विल पास थ्रू द प्लेसेंटा प्रोवाइडिंग पैसिव इम्यूनिटी अगेंस्ट सम बैक्टीरिया सम पोटेंशियल इन्फेक्शंस। फिर क्या होता है, जो इम्यूनोग्लोबुलिन है, ठीक है, एक ये है केमिकल, इसे आप हार्मोन कह दीजिए या कुछ भी कह दीजिए,
क्या करता है कि ये मदर से रिलीज होता है और जो इन्फेक्शंस हैं उनसे बचाव करता है ना, एम्ब्रियो को उस तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, सारी चीज़ें माँ के अंदर ही प्रोवाइड होती हैं। इंटरनल ऑर्गन्स एंड बेबी स्ट्रक्चर्स बिगिन टू डेवलपिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट टर्मिस्टर। ठीक है, क्या होता है, पहले टर्मिस्टर में जो इंटरनल स्ट्रक्चर हैं बेबी की, बॉबी जो बेबी है उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं धीरे धीरे। By 5 weeks, limbs, buds, eyes, the heart and liver have been basically formed. शुरू के जो 5 सप्ताह होते हैं प्रेगनेंसी के उसमें क्या होता है, धीरे धीरे ये सब चीज़ें बेबी की डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। कौन सी, आइज हो गए, हार्ट है, लिम्स, लिम्स यानी कि हाथ पैर। ओके, बाई 8 weeks द टर्म फीटस अप्लाइज एंड द बॉडी इज एसेंशियली फॉर्म्ड। ठीक है, क्या होता है जो उसके बाद हम बात करते हैं 8 सप्ताह में जो होता है, 8वां सप्ताह उसमें क्या होता है, फिटस क्या करता है, उसके दूसरे बॉडी के एसेंशियल ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाते हैं। द इंडिविजुअल इज अबाउट 5 सेंटीमीटर्स। इस टाइम वो इंडिविजुअल जो है, वो जो ऑर्गेनिज्म है, वो जो एम्ब्रियो है, वो कितना होता है, लगभग 5 सेंटीमीटर का, और इस 5 सेंटीमीटर को हम कह सकते हैं 2 इंच के बराबर लगभग इन लेंथ। एंड मैनी ऑफ द ऑर्गन सच एज द लंग्स एंड लीवर आर नॉट येट फंक्शनिंग। बहुत सारे उसके अभी भी जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो ऐसे होते हैं जो इस टाइम फंक्शन में नहीं होते हैं। ओके, एक्सपोजर टू एनी टॉक्सिन इज स्पेशली डेंजरस ड्यूरिंग द फर्स्ट टर्मेस्टर। अगर किसी तरह का टॉक्सिन, कोई पॉइजन अगर इस टाइम ले लिया जाता है तो वो इस स्टेज में बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। एज ऑल ऑफ द बॉडीज ऑर्गन एंड स्ट्रक्चर्स आर गोइंग थ्रू इनिशियल डेवलपमेंट। ओके, इस टाइम जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के वो डेवलप हो रहे हैं एम्ब्रियो के, और इस टाइम पर कोई टॉक्सिक एक्टिविटी अगर हो जाती है तो इन सब पे बहुत बड़ा साइड इफेक्ट पड़ता है। ओके, एनीथिंग दैट अफेक्ट दैट डेवलपमेंट कैन हैव अ सेवर इफेक्ट ऑन द फीटस सर्वाइवल। इससे क्या हो सकता है, जो सर्व है मतलब जो उसकी फीटस की एक बॉडी ऑर्गन है उन पे बहुत सारा गलत इफेक्ट पड़ सकता है, और क्या हो सकता है कि वो, ये भी हो सकता है कि वो सर्वाइव ना कर पाए। कई बार क्या होता है, अबॉर्शन करना पड़ता है, बेबी की मदर के अंदर ही डेथ हो जाती है कुछ कंडीशंस में। ड्यूरिंग द सेकेंड टर्मिस्टर द फीटस ग्रोज टू अबाउट 30 सेमी, ऑलमोस्ट 12 इंचज। अगला जो सेकंड स्टेज आता है उसमें क्या है कि जो फीटस है वो लगभग 30 सेंटीमीटर का हो जाता है, जैसे हम इंचेस में कहें तो 12 इंच। इट बिकम्स एक्टिव एंड द मदर यूजुअली फील्स द फर्स्ट मूवमेंट। इस टाइम क्या हो जाता है, ये एक्टिव हो जाता है और मदर को मूवमेंट फील होने लगता है अपने अंदर के, वो जो है बेबी मूव कर रहा है, अपने हाथ पैर हिला रहा है। ऑल ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर्स कंटिन्यू टू डेवलप। ठीक है, और जो बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स हैं वो सब क्या होते हैं, डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। द प्लेसेंटा हैज़ टेकन ओवर द फंक्शंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट एंड द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटम। एस्ट्रोन और प्रोगेस्टेरोन का जो सिक्रेशन है वो भी फंक्शन करना शुरू कर देता है कॉर्पस ल्यूटम में, विच हैज़ डिजनरेटेड, जो क्या हो जाती है, डिजनरेट हो जाती है। द प्लेसेंटा विल कंटिन्यू फंक्शनिंग अप थ्रू द डिलीवरी ऑफ द बेबी। अब जो प्लेसेंटा है वो लगातार काम करता रहता है, कब तक, जब तक बच्चे का जन्म होता है तब तक लगातार काम करता रहता है। क्या काम है उसका, न्यूट्रिशन देना और वेस्टेज को बॉडी से बाहर निकालना। ड्यूरिंग द थर्ड ट्रिमेस्टर द फीटस ग्रो टू 3 to 4 kg। क्या होता है, तीसरी स्टेज की बात करते हैं, तीसरी स्टेज में जो फीटस है वो ग्रो कर लेता है, बड़ा हो जाता है और उसका वज़न लगभग 3 से 4 किलो होता है एंड अबाउट 50 सेंटीमीटर, और लगभग कितना, 19 से 20 इंच लंबा होता है, लॉन्ग एज इलस्ट्रेटेड। ठीक है, लगभग इतना 12, ये आपका 19 से 20 इंच लंबा है, लगभग 50 सेमी। दिस इज़ द पीरियड ऑफ द मोस्ट रैपिड ग्रोथ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ये जो प्रेगनेंसी का है बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करने वाला पीरियड होता है, इसमें जो एम्ब्रियो है वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। ओके, ऑर्गन डेवलपमेंट कंटिन्यूज टू बर्थ।
जन्म के समय तक लगातार ऑर्गन्स डेवलप होते रहते हैं एंड सम सिस्टम सच एज द नर्वस सिस्टम एंड लीवर एक्सेट्रा। क्या होता है, जो नर्वस सिस्टम है, लीवर है और दूसरे ऑर्गन है, वो लगातार डेवलपमेंट करते रहते हैं। कब तक? बर्थ के टाइम तक। लीवर कंटिन्यू डेवलप आफ्टर बर्थ, ठीक है, जो जन्म है ना उसके बाद भी क्या है, लीवर डेवलपमेंट करता रहता है बच्चे का। द मदर विल बी एट हर मोस्ट अनकम्फर्टेबल ड्यूरिंग दिस टर्मिस्टर। जो मदर है वो उस टाइम बहुत ज़्यादा अनकम्फर्ट फील करने लगती है। शी मे यूरिनेट फ्रिक्वेंटली ड्यू टू प्रेशर ऑन द ब्लडर फ्रॉम द फीटस। क्या होता है, यूरिनेट, बार बार यूराइन एक्सक्रेट करने की जो एक ज़रूरत फील होती है उनको, है ना। क्यों? क्योंकि जो वो फीटस है ना वो ग्रोथ कर रहा है ना, मदर के अंदर काफ़ी प्रेशर बढ़ रहा है, वो अनकम्फर्ट फील कर रही है। देयर मे ऑल्सो बी इनिशियल ब्लॉकेज एंड सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स एस्पेशली इन हर लेग्स, ठीक है। क्या फील होता है उन्हें अपने पैरों में, ऐसा फील होता है कि उनके पैर बेजान हो रहे हैं, उसमें सर्कुलेशन नहीं हो रहा है या फिर ब्लॉकेज आ गया किसी तरह का, इस तरह की प्रॉब्लम फील होती है मदर को। क्लॉट्स मे बी फॉर्म इन हर लेग्स ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम द फीटस। जो फीटस है, फीटस के प्रेशर लगाने की वजह से क्या होता है, उन्हें ये फील होता है कि उनके जो पैर हैं, पैरों में क्लॉटिंग हो गई है या फिर कई बार हो भी जाती है। ऑन रिटर्निंग वेंस एज दे एंटर द एब्डोमिनल कैविटी। जो क्या होता है कि कई बार जो वेंस होती हैं या फिर हम कहें एक कैनल होती है जो बच्चे के साथ जुड़ी होती है, प्लेसेंटा जुड़ा होता है, उस वजह से कई बार वो क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी में फंस जाती है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने आती है। ओके बेटा, ये हमारा अभी का आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे लेबर एंड बर्थ, ठीक है। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो दे मस्ट बी कॉल। ओके, ऑल द बेस्ट।